हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 7 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स आर्बिट्रेज सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ की जो आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, पहला आर्टिकल है वो आया है बेसिकली स्वदेश दर्शन स्कीम को लेके। तो हम अच्छे से जानेंगे स्वदेश दर्शन स्कीम के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक्चुअली न्यूज़ क्या है या कंटेक्स्ट क्या है। कंटेक्स्ट देखो वैसे कुछ खास है नहीं, तो कंटेक्स्ट पे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं बनता है, क्योंकि कंटेक्स्ट ये है कि केरला के अंदर आपको पता है कि जो वाटर सर्किट्स हैं, आप बोल सकते हो एक तरीके से कि जो वाटर ट्रांसपोर्ट का रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि केरला के अंदर रिवर्स के एक तरीके से जाल है वो फैला हुआ है। तो वहाँ पे रिवर्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट वगैरह या टूरिज्म जैसी चीज़ों को प्रमोट काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। और उसी तर्ज पे अभी कंटेक्स्ट इस प्रकार है कि केरला के अंदर जो वाटर बेस्ड टूरिज्म सर्किट है वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो देखो ये सर्किट वगैरह यूपीएससी नहीं पूछेगी, क्योंकि हर स्टेट में काफ़ी सारे डेवलप है वो किए जा रहे हैं। बस ये ध्यान रखना कि सबसे पहला जो सर्किट है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में डेवलप है, वो इसके मैं से किया गया था। इसके बाद में हर स्टेट अपने अपने सर्किट है वो तैयार कर रहा है। अब हम चलते हैं यहाँ पे स्कीम की तरफ, ताकि हमें सारा कंटेक्स्ट अच्छे से समझ में आ जाए और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो भी हम यहाँ पे देख लें। पहली चीज़ ये है कि स्वदेश दर्शन जो स्कीम है ये बेसिकली टूरिज्म मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इसमें जो 100% जो फंड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब बात करते हैं इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव की। देखो तो इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि हमारे देश में टूरिज्म है उसको प्रमोट करना है। अब क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये यूज़ किया जा रहा है कि थीम के बेस्ड है ना टूरिज्म सर्किट है वो डेवलप किए जाएंगे। जैसे कि देखो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना है, तो पिंक सिटी है उसके नाम पे थीम है वो क्रिएट की जाती है, ताकि लोगों के मन में जयपुर के बारे में टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके। तो इसी तरीके से हर सिटी है उसमें अपने आप की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है, तो उसकी थीम है वो क्रिएट की जाती है और उस थीम के आधार पर उसका प्रचार है वो किया जाता है। मतलब एक तरीके से उस सिटी को एक टाइटल सा दे दिया जाएगा और उसके बाद उसका प्रचार प्रसार है वो किया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? हर देखो सिटी है वो अपने आप में एक तरह से टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेप उठाएगी। जैसे कि एग्जांपल लो दिल्ली और आगरा का एग्जांपल हम एक बार लेते हैं। दिल्ली के अंदर टूरिज्म सर्किट बना तो आगरा सोचेगा यार मैं भी मेरे अंदर अच्छा काम करूँ, यहाँ पे भी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराऊँ, ताकि बाहर के जो टूरिज्म वगैरह है उसको प्रमोट किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो विदेशी ट्रेवल्स वगैरह हैं या इंडिया के डोमेस्टिक जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आवें। और उसी तरह से क्या होगा, आपस में कंपटीशन बढ़ेगा। इसका मेन बेनिफिट एक तो ये होगा कि हमारे देश में टूरिज्म बढ़ेगा। अब देखो टूरिज्म बढ़ेगा तो उसका मतलब ये नहीं कि केवल घूमने फिरने वाले लोग बढ़ेंगे, इससे हमारे देश की इकोनॉमी है उसको भी काफ़ी फायदा मिलता है, जो फॉरेक्स है जो है वो भी हमें मिलता है। तो बहुत बेनिफिट होते हैं टूरिज्म से, काफ़ी सारी डायमेंशन टूरिज्म की वो होती हैं। तो ये सारे बेनिफिट बेसिकली इससे होने वाले हैं। तो स्कीम के बारे में आता तो हमारे लिए जो स्कीम है ये स्वदेश दर्शन स्कीम ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो हो जाती है। तो ये हमें ध्यान है वो रखनी है कि इसमें जो सेंट्रल है गवर्नमेंट है वो 100% फंड है वो प्रोवाइड है वो करवाती है। टूरिज्म मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, काम क्या है, टूरिज्म को प्रमोट करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाया जा सके। और थीम बेस्ड इसमें सर्किट हैं, क्लस्टर वो तैयार किए जाते हैं ताकि लोगों में एक आइडेंटिटी है वो क्रिएट की जा सके उस सिटी के बारे में। अब चलते हैं हम नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है एशिया यूरोप मीटिंग के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि थर्ड कॉन्फ्रेंस अभी रिसेंटली सबमिट है या थर्ड कॉन्फ्रेंस है वो रिसेंटली कंप्लीट हुई है, कहाँ पे? कोरिया के अंदर। किसकी? एशिया यूरोप मीटिंग की, ASEM की। तो थोड़ा कंटेक्स्ट हमने देख लिया कि थर्ड कॉन्फ्रेंस है ग्लोबल एजिंग एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन, ये बेसिकली इसकी थीम है। ये थीम आपको ध्यान रखनी है, ग्लोबल एजिंग एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ ओल्डर पर्सन कोरिया में बेसिकली ये सबमिट है वो हुई है। अब पहले तो हम ये देखते हैं कि इस बार की जो एशिया यूरोप मीटिंग थी इसमें क्या क्या हुआ, किस बार पर फोकस है वो ज़्यादा किया गया था। तो देखो इस बार की जो एशिया यूरोप जो मीटिंग कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें फोकस किया गया था कि जो ओल्डर सिटीजन्स मतलब जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनकी ह्यूमन राइट्स हैं उनका वोलेशन नहीं हो, क्योंकि उनका वोलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, उनको प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करवाया जाए, उनके साथ भेदभाव वगैरह डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए, और जो भी उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपस में साझा की जाए कहाँ कहाँ पर, एशिया और यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में। तो हम एक बार ये देखते हैं कि एशिया यूरोप जो मीटिंग है ये किसके द्वारा होस्ट की वो की गई है और इसमें क्या क्या इसके खुद के जो एम है वो है। इस बार का एम तो हमने देख लिया कि जो बूढ़े सीनियर सिटीजन आप एक तरह से बोल सकते हो या जो वृद्ध लोग हैं उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन के लिए बेसिकली इस बार फोकस है वो किया गया था। अब हम बात करते हैं एशिया यूरोप मीटिंग के बारे में, ASEM। देखो बेसिकली है एक इनफॉर्मल प्रोसेस, एक डायलॉग है किस किस के बीच में, एशिया और यूरोप की कंट्रीज़ के बीच में। तो यूरोप के अंदर लगभग यूरोपियन यूनियन में आती हैं 28 कंट्री और दो कंट्री और हैं, तो टोटल 30 कंट्री वहाँ से हैं।
इसके साथ ही इंडिया की सॉरी एशिया की बात करें तो एशिया से 21 कंट्री हैं, तो इन कंट्रीज के बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन लिंकेज हैं वो बढ़ सकें। इसके साथ ही जो दोनों मतलब एशिया और यूरोप महाद्वीप कॉन्टिनेंट के बीच में जो भी इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके, दोनों के बीच में रिलेशन है उनको और ज़्यादा प्रगाढ़ता या उनको और ज़्यादा मजबूती है वो प्रोवाइड करवाने के लिए बेसिकली ये एशिया यूरोप मीटिंग है, ये इनिशिएटिव है, ये इनिशिएटिव स्टार्ट है वो किया गया था। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसका जो पहला समिट है एशिया यूरोप मीटिंग का वो बेसिकली बैंकॉक में स्टार्ट है वो किया गया था, तो ये चीज़ें थोड़ी हमें ध्यान है वो रखनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक इनफॉर्मल डायलॉग है जिसका मेन मोटो यही है कि एशिया और यूरोप दोनों को एक साथ लेके आना ताकि जो भी इश्यूज हैं उनको दूर किया जा सके और रिलेशन में और ज़्यादा मजबूती है वो आ सके, ये बेसिकली हमें ध्यान है वो रखना है। अब यहाँ पे एक छोटी सी जानकारी वो इम्पोर्टेंट और होती है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं, जानकारी क्या है वो भी एक बार देख लेते हैं। देखो जो मीटिंग है ये बेसिकली किस दिन के बीच में होती है वो भी एक बार हम यहाँ पे देखेंगे क्योंकि मीटिंग का इफेक्ट हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मीटिंग है इसमें यूरोपियन यूनियन के जो काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट भाग करते हैं, इसके साथ ही यूरोपियन कमीशन है उसके प्रेसिडेंट है वो पार्टिसिपेट करते हैं यूरोप की साइड से, और एशिया की साइड से पार्टिसिपेट करते हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आसियान के। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है कि आसियान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इसमें एक पार्टिसिपेट है वो करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा और फैक्ट इम्पोर्टेंट आता है जिसके बारे में यूपीएससी पूछ सकती है, आपके दिमाग में भी आया होगा कि भाई यूरोपीय कमीशन यूरोपियन यूनियन कमीशन बोल सकते हो आप इसे या फिर यूरोपीय काउंसिल है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो आ गया यूरोपियन काउंसिल और एक हो गया यूरोपियन कमीशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं क्योंकि कई बार यूपीएससी ये पूछ सकती है और हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि ये दो चीज़ें हैं क्या क्या। जिस तरीके से देखो यूरोपियन यूनियन है वो क्या है कि यूरोप की जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए एक यूनियन या ग्रुप है वो बना रखा है, उसी तरीके वहाँ पे यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन काउंसिल है वो वहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब एक तरह से पॉलिटिकल डिसीजन जो भी लिए जाते हैं वहाँ पे वो यूरोपियन काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं। अब बात आती है यूरोपियन कमीशन की, यूरोपियन कमीशन है वो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं उनको एग्जीक्यूट करने का उनको इम्प्लीमेंट करने का काम है वो यूरोपियन कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है, जो भी डिसीजन यूरोपियन काउंसिल के द्वारा लिए जाते हैं या यूरोपियन यूनियन के द्वारा लिए जाते हैं ये फिर आप बोल सकते हो कि यूरोप की जो पार्लियामेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम यूरोपियन कमीशन का है, तो ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि यूरोपियन कमीशन है वो एक तरीके से मैनेजिंग जो भी बिजनेस है वहाँ का मतलब यूरोप का उसको मैनेज करने में काफ़ी हेल्प है वो करती है, मतलब डे टू डे जो भी उसकी एक्टिविटीज़ होती हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर उन सारी एक्टिविटीज़ को एक तरीके से मैनेज है वो करने का काम है वो करती है यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन काउंसिल क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मतलब निर्णय लेती है कि हाँ भाई अब क्या काम करना है कैसे क्या करना है वह काम यूरोपियन काउंसिल का, कमीशन का काम है जो भी निर्णय लिए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, तो दोनों वर्ड थोड़े हमें ध्यान है वो रखने हैं। आर्टिकल जो खैर अलग चीज़ें हैं बट फिर भी हमने इनको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है नेशनल मिशन के बारे में, तो देख लेते क्या नेशनल मिशन GEM के बारे में आया है, मतलब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जो मिशन है इसके बारे में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस है वो क्या गया। कंटेक्स्ट ये है कि देखो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो मिशन चलाया गया था गवर्नमेंट के द्वारा इसके तहत अवेयरनेस बढ़ाने के लिए भी कैंपेन है वो स्टार्ट किए गए, तो कंटेक्स्ट तो कोई बात नहीं नॉर्मल सा है बट हमारे लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वो क्या है। देखो इसमें अवेयरनेस में होगा क्या कि जो भी ऑनलाइन सेलिंग वगैरह होती है उसको प्रमोट किया जाएगा डिजिटल ट्रांजिशन वगैरह को, तो एक बार हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्कीम है क्या। देखो यह एक तरह का एक पोर्टल बनाया गया है, ये चीज़ आपको ध्यान है वो रखना है। इस पोर्टल में होता क्या है, जो भी जैसे आप ये मान लो कि कोई भी मिनिस्ट्री है जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है उसको कोई चीज़ें खरीदनी है तो वो क्या करेगी इस वेबसाइट पे अपलोड कर देगी कि भाई हमें ये चीज़ चाहिए आप बता दो, तो उसके बाद जो भी सेलर होंगे तो वो अपनी रेट बता देंगे कि देखो ये चीज़ है हमारे पास इस रेट पे हम सेल कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी, एक तो जो भी सस्ती रेट पर उस पर उन्हें खरीदना होगा क्वालिटी को भी ध्यान में रखते हुए, तो काफ़ी सारे बेनिफिट इससे एक तो हो जाएंगे, एक तो काम पेपरलेस हो जाएगा, इसके साथ एक ट्रांजिशन है वो सारे डिजिटल में होंगे तो डिजिटल ट्रांजिशन को भी इसमें प्रमोट है वो किया जाएगा। इसके साथ ही अकेला केवल चीज़ें खरीदने की बात ही नहीं है, कोई भी सर्विस भी अगर उनके द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही है ये फैक्ट थोड़ा ध्यान रखना है, यूपीसी थोड़ा यहाँ पे घुमा सकती है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है वो ओनली गुड्स के लिए बेसिकली प्रोक्योरमेंट वगैरह को मतलब सेटिस्फाई वगैरह करता है, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है, गुड्स और सर्विस दोनों की डिलीवरी को इंश्योर करने के लिए किसी भी मिनिस्ट्री को चीज़ें चाहिए तो इस पोर्टल के थ्रू गुड्स और सर्विस वगैरह को मतलब एक तरीके से ले सकती है, सेल है वो कर सकती है, तो एक तरीके से आप हम बोल सकते हैं कि प्रोक्योरमेंट है या कोई भी सेलिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए बेसिकली पोर्टल है वो बनाया गया है।
और ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं ये बेसिकली हमें ध्यान है वो रखनी है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत होती हैं, क्योंकि जो भी प्रोक्योरमेंट होती है वो सारी होती है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। मतलब गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस जो पोर्टल है वो सारा रेगुलेट किया जाता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत। तो ये थोड़ा फैक्ट एक हमें ध्यान है वो रखना है कि भाई जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके अंदर वगैरह की जाती हैं। इसके साथ ही 2016 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था। मेन मोटो इसका यही था कि जो भी गवर्नमेंट की सेलिंग वगैरह होती है, गवर्नमेंटों को चीज़ें खरीदनी है वो ऑनलाइन खरीदी जाएं ताकि उसमें ट्रांसपेरेंसी रह सके, करप्शन कम से कम हो सके, पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली स्कीम है वो लॉन्च हो की गई थी। गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को कोई चीज़ें खरीदनी है या कोई सर्विस खरीदनी है जैसे हॉस्पिटलिटी वगैरह सफाई वगैरह के लिए, तो सारी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ अपलोड कर देते हैं। उसके बाद उनको जो भी सेलर्स वगैरह होते हैं वो कॉन्टेक्ट करके वहाँ से एक तरीके से प्रोसीजर है उसको ट्रांसपेरेंसी के थ्रू अंजाम में वो दिया जाता है। तो अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट इसके लिए अवेयरनेस के लिए अभियान चला रही है छोटे छोटे जगह जगह पे ताकि लोगों को बताया जा सके कि वो भी इस पोर्टल के थ्रू चीज़ें खरीद सकते हैं, चीज़ें भी हैं वो बेच सकते हैं। तो ये बेसिकली कैशलेस और हम बोलते हैं पेपरलेस ट्रांजेक्शन को प्रमोट करने के लिए भी काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो बेसिकली आया है CSSIDWS के बारे में, मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स। देखो बेसिकली हम बात करें, कंटेक्स्ट इसका यही है कि अभी जो प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है या फिर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी सारे अभियान चल रहे हैं। इसी के साथ ही जो प्रोजेक्ट एलिफेंट हैं, एलिफेंट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इन सब के बेसिकली काम करने के लिए या इनको और ज़्यादा अच्छे से मतलब इनमें ट्रांसपेरेंसी हो, इनका काम और ज़्यादा अच्छे से हो सके, इसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट ने फंड वगैरह एलोकेट है वो किया है। तो उसको लेकर न्यूज़ है वो आई है, तो कंटेक्स्ट कुछ दमदार नहीं है, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो स्कीम है वो है क्या। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसके बेसिकली तीन ही ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम के और तीनों ही इस ऑब्जेक्टिव हमें ध्यान है वो रखनी है। क्या क्या है तीन कंपोनेंट में, पहला तो यह है कि जो भी हमारे देश में प्रोटेक्टेड एरिया है, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, या फिर चाहे वो कंजर्वेशन रिजर्व हो या फिर कम्युनिटी रिजर्व हो, इन सारे को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली काम है वो करती है। दूसरा काम क्या है कि जो वाइल्ड लाइफ है आउटसाइड प्रोटेक्ट एरिया, मतलब जैसे कि ये मान लो कि नेशनल पार्क के बाहर भी कोई जानवर वगैरह को प्रोटेक्ट करना है, जैसे कि नीलगाय का शिकार वगैरह नहीं करना है, ये सारे प्रोटेक्शन भी बेसिकली इसके द्वारा ही अंजाम है वो दिए जाते हैं। इसके साथ ही रिकवरी प्रोग्राम भी स्टार्ट है वो किए जाते हैं कि जैसे कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसको रिकवर करना है, उसका आवास अगर ख़त्म हो रहा है तो उसके आवास को बचाने के लिए मतलब वहाँ पे थोड़ी रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्ट किया जाता है या फिर वहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह को और ज़्यादा अच्छे से डेवलप किया जाता है ताकि उस प्रजाति का जो आवास है वो ख़त्म ना हो जाए, अदरवाइज वो प्रजाति विलुप्त है वो हो सकती है। तो ये बेसिकली इस काम स्कीम के द्वारा कंपोनेंट के थ्रू काम है वो किए जाते हैं। तो ये थोड़ा हमें ध्यान है वो रखना है। तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको लेके जो भी ये वाइल्ड लाइफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट बनाया गया है, ये इसका बेसिकली काम यही है, एक तो स्टाफ है उसको डेवलप करना, मतलब स्टाफ के अंदर क्वालिटी है वो इम्प्रूव करना, इसके साथ ही स्टाफ की कैपेसिटी को बिल्डअप करना, रिसर्च है वाइल्ड लाइफ रिसर्च है उसको प्रमोट करना, जो एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ हैं उनको अंजाम देना, मतलब जो भी शिकार वगैरह करते हैं लोग फॉरेस्ट वगैरह में उसको कहीं ना कहीं रोकना, इसके साथ ही जो हम बहुत यहाँ पे बात सकते हैं कि जो भी एनिमल्स हैं वाइल्ड लाइफ उनको कहीं ना कहीं जो भी मेडिसिन वगैरह की ज़रूरत है वो सब प्रोवाइड करवाना, इसके साथ ही ह्यूमन और जो एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है जंगली जानवरों के बीच में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसा रास्ता तैयार करना ताकि उनको आपस में कॉन्फ्लिक्ट को दूर हो किया जा सके। मतलब हमें फॉरेस्ट को इतना अच्छा रखना है कि जो जानवर वो फॉरेस्ट से बाहर जाए ही नहीं, फॉरेस्ट में आराम से रह सकें। तो कहीं ना कहीं हमें फॉरेस्ट वाले एरिया पे जो हैबिटेट्स हैं उनको डेवलप करना होगा ताकि एनिमल्स को हम बाहर जाने से प्रोटेक्ट कर सकें। इसके साथ ही जो इको टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए, बेसिकली इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भी कॉन्सेप्ट है वो यूज़ है वो किया गया है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट का मतलब क्या है कि जो भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट है उसको हमें डेवलप करना है ताकि जो जंगली जानवर है उनको हम बचा सकें, बायोस्फीयर रिजर्व को प्रमोट कर सकें। ये सारी इस स्कीम के या स्कीम तो नहीं बोल सकते, मतलब इस प्रोग्राम के तरीके से पार्ट है, तो हमें ये थोड़ा ध्यान में वो रखना है। बेसिकली यहाँ पे तीन चीज़ें हैं, एक तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसको फोकस किया गया है, एक तो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट भी इसमें इंक्लूड है वो किया गया है। तो UPSC पूछ सकती है कि जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट और वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैं इसमें केवल और केवल जो टाइगर्स हैं उनको कंजर्व किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, पूरे वाइल्ड लाइफ को फोकस यहाँ पे किया गया है बेसिकली। नेक्स्ट जो छोटी सी एक न्यूज़ आई है वो आई है नालसा को लेकर आई है, नालसा के बारे में, नेशनल लीगल
अथॉरिटी सर्विस को लेके आई है, तो इसके बारे में देख लेते हैं कि नेशनल अथॉरिटी ऑफ लीगल सर्विसेज के बारे में यहाँ पे क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं वो देखते हैं। कंटेक्स्ट ये है कि नालसा कंपनसेशन स्कीम है वो अभी लॉन्च है, वो की गई है। अब देखो स्कीम में क्या क्या मुख्य है वो किया गया है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम नालसा के बारे में देखते हैं। देखो नालसा है वो बेसिकली 1987 में एक स्टेचुरी बॉडी के तौर पे बनाई गई थी, मतलब पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया गया था उसके आधार पर नालसा का निर्माण है वो किया गया था। ये चीज़ हमें ध्यान है वो रखनी है। अब इसका मेन फीचर क्या है, इसका देखो मेन फीचर ये है कि ये क्या करती है, जगह जगह पे जो लोक अदालत हैं वो क्रिएट करती है, मतलब जो भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाता है उनको न्याय दिलाने का बेसिकली काम है वो किया जाता है। ये देखो होता क्या है कि सब लोग हैं वो कोर्ट नहीं जा पाते हैं, तो लोगों को घरेलू लेवल पे जैसे कि घरेलू हिंसा हो रही है, मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई भी छोटा सा इशू आप ले सकते हो कि गांव के अंदर छोटे मोटे इशू चलते रहते हैं जमीन प्रॉपर्टी वगैरह के, तो उन इश्यूज़ को आपस में सुलझाना, आपस में सहमति वगैरह करवाना, ये बेसिकली काम नालसा के द्वारा किए हैं वो किए जाते हैं। जो लोक अदालतें हमारे देश में बनाई जाती हैं या क्रिएट की जाती हैं वो नालसा का ही एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल या नालसा का एक सफल एक्सपेरिमेंट हम बोल सकते हैं। तो अभी रिसेंटली ये है कि जो कंपनसेशन स्कीम है वो लॉन्च की गई है। इस स्कीम इसलिए लॉन्च की गई है क्योंकि देखो हमारे देश में कुछ लोग काफ़ी इतने गरीब होते हैं कि उनके खिलाफ कोई भी अगर वॉयलेंस या कोई भी हिंसा होती है तो वो कोर्ट जाके मतलब प्रॉपर ढंग से केस नहीं लड़ पाते हैं, या तो उनके पास पैसा नहीं होता है, या फिर कोई ना कोई और ऐसी डिसेबिलिटीज़ होती है जैसे कि फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर इकोनॉमिक डिसेबिलिटी है, इस वजह से वो मतलब कहीं ना कहीं उनको प्रॉपर न्याय नहीं मिल पाता है। तो ऐसे माहौल में जो भी मुआवजा उनको प्रोवाइड कराया जाए इसके लिए बेसिकली नालसा कंपनसेशन स्कीम है वो लॉन्च हो की गई है, मतलब जो जस्टिस है उसको सिक्योर करने के लिए स्कीम है वो लाई गई है। जिन लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है उनको यहाँ पे मुआवजा वगैरह प्रोवाइड है वो किया जाता है। तो इसके क्या क्या दो तीन फीचर्स हैं इसमें, फंड वगैरह है, तो ये तो सब आपको याद रखना नहीं है, बस एक बात थोड़ा ध्यान रख लेना। जैसे इसमें ये प्रावधान किया गया है कि अगर किसी भी इंसान की जान चली जाती है या फिर किसी फीमेल के साथ गैंगरेप होता है उस कंडीशन में उसको 5 से 10 लाख रुपए का मुआवजा है वो दिया जाएगा, ताकि वो केस वगैरह लड़ सके और कहीं ना कहीं अपनी डिग्निटी की बात यहाँ पे की है वो की गई है। इसके साथ ही बात की गई है कि अगर किसी के साथ रेप होता है या फिर अननेचुरल तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट की बात आती है तो उस कंडीशन में उनको 4 से 7 लाख रुपये का मुआवजा कंपनी से देने की बात यहाँ पे की गई है। इसी के साथ ही अगर जो भ्रूण होता है मतलब बेबी होता है पेट में, अगर उसकी डेथ हो जाती है कोई भी ऐसी एक्टिविटीज की वजह से, उस कंडीशन में 2 से 3 लाख का मुआवजा है वो दिया जाता है। और इसी के साथ ही जो एसिड अटैक होते हैं उनको 7 से 8 लाख तक का मुआवजा देने की बात है वो यहाँ पे की गई है। तो ये चीज़ हमें थोड़ी ध्यान है वो रखनी है कि नालसा कंपनसेशन स्कीम क्या है, क्यों यह लॉन्च है वो की गई है। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।